मोहगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम गोड़ामो में देर रात भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में तकरीबन 7 लोगों की मौत हो गई, जिससे परिसर में खलबली मची थी। उप पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार उइके ने बताया कि ग्राम कोडामऊ में शादी समारोह के बारात में शामिल होकर बोलेरो से लौट रहे थे। गांव के किनारे एक सूखे कुएं में बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर मोहखेड़ थाना पुलिस, उमरानाला चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कुएं में गिरे वाहन को निकाला। पुलिस ने गांव वालों की मदद से पहले घायलों को किसी तरह बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक तौर पर हादसे के पीछे की वजह तेज रफ्तार और वाहन अनियंत्रित हो जाना बताया है। जिस कुएं में बोलेरो वाहन गिरा उसे मुंडेर नहीं था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। पूरा हादसा देर रात 2 बजे तक बताया जा रहा है। लोगों की मौत हुई, रात में एक बहुत दुर्घटना हुई है। एक बोलेरो गाड़ी जो है वो शादी में गए थे भाजी पानी मोहगढ़ थाना क्षेत्र में, और वहाँ से वापस लौट रहे थे। बोलेरो गाड़ी में जो है 10 लोग थे, जिनमें 7 व्यक्ति, 2 बच्चे और 1 महिला भी। थोड़ा पानी गांव है उसके आगे जो है और भाजी पानी के बीच में जो है एक मोटरसाइकिल जा रही थी, जिसमें 3 लोग थे। उस मोटरसाइकिल से टकरा करके बोलेरो गाड़ी जो है वो रोड से किनारे में जो कुआ है कुआ में गिर गई, और उसमें 7 व्यक्ति जो है खत्म हो गए हैं, जिनमें 6 व्यक्ति हैं और 1 बच्चा है, छोटा बच्चा है। 3 लोग जो हैं बचे हैं, महिला, उसका बच्चा और 1 और व्यक्ति, उसका उपचार चल रहा है। और जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो लोग भी जो है घायल हुए हैं, उनका भी उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। मौके पर SP साहब करेक्टर साहब भी आए थे और डॉक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। घटनास्थल भी गए थे साहब, तो वहाँ से भी टोटल सर घटनाक्रम में 6 लोग घायल हैं। 6 लोग घायल हैं, 7 लोग खत्म। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।